हेलो दोस्तों, अगर गर्मी की वजह से आपका दूध फट जाता है बॉयल करते टाइम, तो आप उसकी बर्फियाँ बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होती है, किसी को पता भी नहीं चलेगा ये फटे हुए दूध की बर्फियाँ हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक कटोरी छेना जो हमने फटे हुए दूध से बनाया है, एक कटोरी चीनी और काजू को मैंने थोड़ी देर के लिए गर्म दूध में भिगो के रख दिया था। अब हम इन्हें पीस लेंगे। मैंने काजू पीस लिया है, उसके बाद मैं इसमें चीनी डाल दूँगी और उसके बाद मैं इसमें अपना छेना भी डाल दूँगी और हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। इनको पीसने के बाद इनका एक स्मूथ सा टेक्सचर वाला पेस्ट रेडी हो जाएगा। अब हम 2 टेबलस्पून घी लेंगे, उसको कढ़ाई में डाल देंगे और उसके बाद घी मेल्ट होने के बाद हम इसमें अपना पेस्ट ट्रांसफ़र कर देंगे और मीडियम गैस पे हम इसे कॉन्टीन्यूसली चलाते रहेंगे। हमें इसे लगातार चलाते रहना है, अगर हम इसे लगातार नहीं चलाएंगे तो ये कढ़ाई में चिपक जाएगा। और अब हम इसको जब तक चलाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। हमने अपने पिस्ता को भी छोटा छोटा काट लिया है और हमारा पेस्ट भी देखिए थिक हो गया है। अब मैं प्लेट में घी लगा के उसको अच्छे से ग्रीस कर लूँगी और उसके बाद हम अपना ये पेस्ट प्लेट में ट्रांसफ़र करके उसको अच्छे से फैला लेंगे और उसके बाद हम इसमें अपने कटे हुए पिस्ता डाल देंगे। आप इसमें बादाम भी डाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद हम इसको पंखे में 2-3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब ये सेट हो गई है, मैंने इनको काट लिया है। देखिए कितनी टेस्टी बर्फी बनके रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।